हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू ऑल जैसा कि आप सब को पता है अप्रैल मंथ के हम लोग डेली करंट अफेयर समाप्त कर चुके हैं और अब वक्त है अप्रैल मंथ के 15 से 30 अप्रैल पार्ट टू का फुल रिवीजन करने का दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं इसमें आप जितने भी करंट अफेयर्स देखोगे इसमें सिर्फ करंट अफेयर्स होंगे नो डिटेल फैक्ट कोई डिटेल फैक्ट नहीं होगा ठीक है डिटेल फैक्ट के साथ करंट अफेयर्स सिर्फ डेली क्लासेस में चलाई जाती हैं तो आपको वो टेक ओवर वहाँ से करना होगा और उसका क्या फ़ायदा है आप खुद ही समझ रहे हो बट यहाँ करंट अफेयर्स एक साथ रहेंगे और इसका रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि करंट अफेयर्स जितनी जल्दी आप पढ़ते हो अगर रिवाइज नहीं करोगे तो उतनी जल्दी भूल जाता है आदमी और लगभग सात से बारह क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से हर एक एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो इस वीडियो के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं लास्ट तक ज़रूर देखिए और जिन लोगों ने भी कमेंट किया है या जिन लोगों को भी चाहिए पी उन्हें इस ईयरली करेंट अफेयर्स ही की, की जो कि सितंबर से लेके अभी इस मंथ तक अप्रैल तक है उन्हें इस फेसबुक आईडी पर संपर्क करना चाहिए उसकी प्राइस जो है वो सिक्सटी रुपीज़ रखी गई है कितनी सिक्सटी रुपीज़ तो ये सिक्सटी रुपीज़ जो प्राइस है आपके एक महीने के करेंट अफेयर्स की कीमत के बराबर है आप मार्केट से कोई भी करंट अफेयर्स ख़रीदेंगे तो उसकी वनली कीमत साठ रुपये हो जाती है लेकिन इसमें जो है आपको ईयरलींट करेंट अफ़ेयर्स दिया जा रहा है उस पर आज एक डेमो वीडियो आएगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ये वनडे एग्जाम पॉइंट ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर इस पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हमारे सामने है दुरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली कहाँ की एम्स संस्थान द्वारा संचालित किया गया तो ये जो दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी मतलब कि हेल्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम जो है वो किस जगह की एम्स के द्वारा चालू किया गया है तो दिल्ली पटना ऋषिकेश या फिर मुंबई तो इसका राइट आंसर है मुंबई दोस्तों जिन लोगों ने भी लगातार करंट अफेयर्स देखे हैं वो अपना स्कोर फाइनल में कमेंट करके बताएंगे ठीक है मैं चाहता हूं कि उनकी तैयारी जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो ऋषिकेश में ये शुरू किया गया है नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्न द्वारा क्लोरोक्वीन दवा जिसका यूज किया जा रहा है कोविड नाइन्टीन के इलाज में उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कौन है बताइए राइट आंसर इंडिया यूएस, कनाडा या फिर चाइना तो ये है इंडिया इंडिया सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है नेक्स्ट है आई ने किस पूर्व आर गवर्नर को अपने बाह्य सलाहकार समूह में शामिल किया है ऑप्शन एक रघुराम राजन विराल आचार्य एम डी पात्रा एनके सिंह तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा रघुराम राजन और ये हमारे रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी थे नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइल करने में मतलब कि इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग में कौन सा देश टॉप पे है ऑप्शन देखिए चीन अमेरिका भारत और जापान हर क्वेश्चन के लिए आपको तीन से पांच सेकेंड का टाइम दिया जाएगा तो बताइए इसका राइट आंसर इसका राइट right आंसर है चीन ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन प्रेजेंट टाइम हाउ मेनी हॉस्पिटल्स ऑफ कोविड नाइन्टीन आर इन आवर कंट्री तो हमारे अभी के टाइम में पांच सौ छियासी हॉस्पिटल हैं कोविड नाइनटीन के और ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो ये डाटा बदल भी सकता है बट अभी के लिए इतना ही भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये जीएमआर ग्रुप के द्वारा बनवाया जा रहा है एक प्राइवेट ग्रुप है कंस्ट्रक्शन और ये जी ग्रुप के द्वारा भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाया जा रहा है ये किस स्टेट में है आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना और केरल तो ये है आंध्र प्रदेश में दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इससे इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी मैं पूछूंगा तो आपको लास्ट में जो करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे उसका जवाब भी देना है तो आंध्र प्रदेश में भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोला जाएगा छ का एक ए इंडिया को कितने बिलियन डॉलर की मदद करेगा ए मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी क्वार्टर कहाँ है तो इसकी क्वार्टर है फिलीपींस मनीला ठीक है फ़िलीपींस की राजधानी कहाँ है मनीला वहाँ इसकी क्वार्टर है और उन्नीस सड़सठ में इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस सौ छियासठ सड़सठ में इसकी स्थापना हुई थी और तब से ये कार्यरत है और ये टू पॉइंट टू बिलियन की मदद देगा भारत को टू पॉइंट टू बिलियन डॉलर की नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल लेयर खादी मास्क मेड बाय डबल लेयर खादी मास्क जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है के वी आई सी डी आर डी ओ इसरो बार्क तो ये बनाया गया है खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन के वी आई सी खादी ग्रामोद्योग उद्योग जो है उसके द्वारा ये बनाया गया है नेक्स्ट है विच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट टू यूज़ आयुर्वेदा इन कोविड नाइन्टीन किस राज्य ने कोविड नाइन्टीन के ख़िलाफ़ आयुर्वेद को पहली बार यूज़ किया है ऑप्शन आपने देख लिया होगा तो इसका राइट आंसर बताइए यह है गोवा और गोवा ही सबसे पहला स्टेट है जहां अब कोरोना का एक भी केस नहीं है चलिए गोवा के बारे में और एक स्पेशल फैक्ट बताता हूं यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है ठीक है कोबोट रोबोटिक्स यूज फॉर कोविड नाइन्टीन पेशेंट टू प्रोवाइड फूड एंड मेडिसिन कोबोट रोबोटिक्स दो तीन चीजें हैं इसमें जैसे एक कर्मी बोट है तो वो केरल के द्वारा शुरू किया गया है लेकिन कोबोट रोबोटिक्स ये झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है तो दस का एक जो है वो राइट आंसर होगा किस पेटेंट कंपनी ने किस पेमेंट कंपनी ने नियर बाई स्टोर सिस्टम विकसित किया है ऑप्शन देखिए फ़ोन पे गूगल पे एयरटेल पेमेंट तो इसका राइट आंसर होगा गूगल पे नेक्स्ट है पूल टेस्टिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग मतलब एक साथ बहुत लोगों का जब टेस्ट करना हो तो कुछ लोगों का मतलब 25-30 लोगों का सैंपल लेके मिला देंगे और उसमें से अगर परसेंटेज देखेंगे मैक्सिमम हुआ तो वहाँ के सारे लोग संक्रमित हैं किस राष्ट्रीय उद्यान ने जानवरों के लिए क्वारंटाइन फैसिलिटी शुरू किया है तो ऑप्शन ए कॉर्बेट बी माधव सिमलीपाल या कालेसर तो ये सब नेशनल पार्क हैं बताइए क्वारंटाइन फैसिलिटी किसने शुरू किया तो ये शुरू किया गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क के द्वारा नेक्स्ट है भारत किस देश का लाइटवेट टॉर्पीडो और हारपून खरीद रहा है ये हथियार है ऑप्शन एक अमेरिका रूस इज़राइल और चीन किससे बताइए राइट आंसर लाइटवेट वेट टॉर्पीडो और हॉर्पोन जो है अमेरिका से ख़रीदा जा रहा है तो एक राइट आंसर होगा दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जिन लोगों ने भी मंथली करेंट अफेयर्स मार्च अप्रैल जनवरी फरवरी इन सब लोगों के लिए मंथली करेंट अफेयर्स की प्ले बनी हुई है मंथली करेंट अफेयर्स की प्ले में जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको सारे करेंट अफेयर्स मिल जाएंगे दिसंबर से ठीक है तो जिन लोगों ने भी अप्रैल का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएंगे उन्हें वहाँ भी मिल जाएगा और यहाँ आपको आई बटन दिख रहा होगा राइट साइड के कोने में आई बटन पे भी मैं लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा ठीक है तो ज़रूर पार्ट वन देखें विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों अप्रैल मंथ के जितने भी दिवस हैं इन सब पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा सवाल उससे आते हैं और आपको जब ने देखा है तो कला दिवस मनाया जाता है पंद्रह अप्रैल को आर्ट डे एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा तो इसका राइट आंसर होगा भारत ठीक है एक जो है वो राइट आंसर होगा 2022 का एशियन गेम्स का मास्कट क्या है मास्कट मतलब चिन्ह तो ठीक है बताइए तो ये है फेई फेई एक राइट आंसर होगा सी जी हार्ट वेबसाइट बाई विच स्टेट जब मैंने ये पढ़ाया था तो आपको बताया था कि सी जी लगा है मतलब छत्तीसगढ़ का ही है तो इस तरीके से आप एक दूसरे को कनेक्ट करके और आराम से याद कर पाएंगे सी जी वेबसाइट जो कि स्टेट होम डिलीवरी के लिए लाया गया था ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और ये भारत का मैप है आपको पता ही होगा कि इस मैप का हम लोग डेली करेंट अफेयर्स में कितना बेहतरीन तरीके से स्टडी करते हैं तो अगर आपको दो से तीन सौ अलग से जीएस के फैक्ट्स रिवीजन करना हो तो डेली करंट अफेयर्स ज़रूर देखते रहें डब्ल्यू के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं सुनील सेठी विश्वनाथन आनंद अमिताभ बच्चन दीपिका पादुकोण दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर डालने से पहले आपके लेफ्ट साइड में नीचे लाइक बटन होगा उस लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और हमें मोटिवेट करें हमें बहुत अच्छा लगता है और प्लीज़ इस वीडियो को जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं करें तो डब्ल्यू के ब्रांड एम्बेसडर हैं विश्वनाथन आनंद पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल मेड बाई तो ये आपने देख रहा होगा पूसा पूसा मतलब आई सी ए आर एक जो है वो राइट आंसर होगा मून जे इन कहाँ के राष्ट्रपति दोबारा बन गए हैं तो ये क्वेश्चन आ सकता है ये है साउथ कोरिया साउथ कोरिया की राजधानी है शिल और यहाँ की करेंसी आपको पता ही है डब्ल्यू ओ एन नेक्स्ट है कोविड नाइन्टीन वायरस के जीनम सीक्वेंस को किस राज्य ने खोजा है तो ये खोजा है ऑप्शन ए गुजरात राजस्थान गोवा और महाराष्ट्र तो ये खोजा है गुजरात ने ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है हाल में आरबीआई रिवर्स रेपो रेट कितना है आरबीआई का आपको पता है रेटो रेपो, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता है तो ये रिसेंटली चेंज हुआ है तो रिवर्स रेपो रेट है थ्री पॉइंट सेवन फाइव परसेंट ठीक है दोस्तों और रेपो रेट कितना रहा तो रेपो रेट है फोर पॉइंट फोर परसेंट ठीक है ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है तो रिवर्स पूछा जा रहा है तो थ्री पॉइंट सेवन फाइव परसेंट नेक्स्ट है विश्व हेमोफीलिया डे हेमोफीलिया डे कब मनाया जाता है दस अप्रैल सत्रह अप्रैल अट्ठारह अप्रैल या सात अप्रैल तो ये है सत्रह अप्रैल को और दस अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया सात अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे दस अप्रैल को होम्योपैथी डे अट्ठारह अप्रैल को हेरिटेज डे तो जो भी स्पेशल डे की वीडियो है पात्र पाँच मिनट की वो वीडियो है अप्रैल मंथ के सारे वीडियो उसमें अवेलेबल हैं ठीक है, है? अप्रैल मंथ के जितने भी डे हैं ऑपरेशन लाइफलाइन किस देश ने शुरू किया है तो ये है ऑपरेशन लाइफ लाइन शुरू किया गया है इंडिया के द्वारा जो भी विदेश में फंसे फंसे लोग हैं उनको वापस लाने के लिए ठीक है नेक्स्ट है किस सरकार ने कोविड करी पुक्कल अभियान शुरू किया है तो ये है तमिलनाडु कर्नाटक आंध्र प्रदेश इसमें तमिलनाडु इज इस द राइट आंसर कोविद करी पुक्कल ये साउथ इंडियन नेम ही है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों ये हमारी फेसबुक आईडी जरूर ध्यान रखिएगा फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं भी आप मुझे इस नाम से फॉलो कर सकते हैं अमित सिंह आया और एक चीज मैं कहना चाहूंगा डे एग्जाम पॉइंट पे सारे वीडियोस पहले आ जाते हैं इवन ये भी वीडियो पहले ही आएगा तो आपको ये सब्सक्राइब करना चाहिए ठीक है सब्सक्राइब बटन पर जरूर दबाए साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें नेक्स्ट है हाल में किस मोबाइल तो आइए क्वेश्चन नंबर सत्ताइस को हम देखते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर सत्ताईस हाल ही में किस मोबाइल ऐप ने तेरह दिनों में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है तो ये जो ऐप है ये है आरोग्य सेतु और आप सब को पता भी होगा ये कोविड नाइन्टीन ट्रैकिंग ऐप है जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और अभी हाल में अभी के करंट की स्थिति में बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य बना दिया है ठीक है नेक्स्ट पंद्रह अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है तो ये राज्य है तीन तीसरा नंबर है हिमाचल प्रदेश ठीक है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस मनाई जाती है किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे नागरिकों को पैंतीस सौ रुपये देने का ऐलान किया है तो ये है मणिपुर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय तो ये है कौन सा राज्य मणि अरुणाचल प्रदेश ठीक है तीन राइट आंसर है और इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें शेयर कर दें इस वीडियो को और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मंथली करेंट अफेयर्स की वीडियो भी देखें साथ ही साथ अगर आपका जी के वीक है आप जी के पढ़ना चाहते हैं तो अलग अलग हमारे चैनल पर प्ले बने हुए हैं हिस्ट्री हिस्ट्री जनरल साइंस जोग्राफ़ी पॉलिटी सबके अलग अलग प्ले को विज़िट करें और देखें अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें किस देश ने डब्ल्यू की फंडिंग रोकने का आदेश दिया है तो ये देश कौन सा है बताइए राइट आंसर ये देश है डब्ल्यू एच ओ की फंडिंग को रोकने का आदेश दिया है अमेरिका ने तो अमेरिका इज़ द राइट आंसर अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और यहाँ की करेंसी है डॉलर कनाडा की राजधानी कहाँ है कनाडा की राजधानी ओटा ओटावा और कनाडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है मेक्सिको का मेक्सिको सिटी है और मैक्सिकन डॉलर यहाँ की करेंसी है ये है नॉर्थ अमेरिका का मैप आप यहाँ देख सकते हैं रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में है अलास्का रेंज भी है ये भी नॉर्थ अमेरिका में है ब्रुक्स रेंज भी नॉर्थ अमेरिका में है और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने कई बार अपने डेली करेंट अफेयर्स में डिस्कस किए हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दुबई के क्रिकेट एकेडमी का क्रिक एम्बेसडर क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर दुबई क्रिकेट एकेडमी है क्रिक किंगडम उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है तो ये हैं ऑप्शन देख लीजिए आप रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर धोनी या कुमार संगकारा तो ये हैं रोहित शर्मा जी और अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप मुझे वीडियो रोक कर कमेंट करें कि रोहित शर्मा को इस बार क्रिकेट का और कौन कौन सा अवार्ड दिया गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है वर्ल्ड लीबर डे ऑप्शन ए सत्रह अप्रैल अठारह अप्रैल उन्नीस अप्रैल या दस अप्रैल तो ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को नेक्स्ट है 2020 में आसियान की अध्यक्षता किसे मिली है 2020 आसियान की अध्यक्षता किसे मिली है वियतनाम मलेशिया थाईलैंड तो बताइए राइट आंसर तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है ये होगा वियतनाम 2020 में जो छत्तीसवां आसियान शिखर सम्मेलन होने वाला था ये आसियान शिखर सम्मेलन वियतनाम में होगा वियतनाम की राजधानी होनोई जिसे पोस्टपोन कर दिया गया है लेकिन आपको जब भी ये होगा तब ये वियतनाम में ही होगा तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए नेक्स्ट है ये आप वियतनाम का यहाँ मैप है आप देख भी सकते हैं वियतनाम आपको मैं कई बार दिखाया भी हूँ ये है वियतनाम और यहाँ राजधानी है इसकी होनो यहीं पे डोनाल्ड ट्रंप और जो नॉर्थ कोरिया के शासक हैं उनकी मीटिंग हुई थी तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है हमारा आई टी टी एफ वर्ल्ड रैंकिंग में कौन टॉप पर है इतने लोगों में टॉप पर हैं अजंता शरत कमल जूजिन फैन जेडोंग तो ये टॉप पर है फैन जडोंग या आई क्या है तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है और अजंता शरद कमल भी हमारे देश के खेलने वाले हैं चलिए तो आगे बढ़ते हैं टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये और एक जी साथियान है जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं इनके बारे में भी बहुत सवाल पूछा जाता है नेक्स्ट है किस देश ने हर घर में दो मास्क डिलीवरी शुरू कर दी है तो ये देश है जापान कौन सा देश है जापान नेक्स्ट आइए दुनिया का सबसे डिजिटली निपून देश कौन है तो ये हमारा भारत है क्योंकि कोविड नाइन्टीन के बाद हर तरीके से डिजिटल इफ़िशंसी में भारत ने बहुत उपलब्धि हासिल की है नेक्स्ट बढ़ते हैं किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों को दस हज़ार रुपये देने की घोषणा की है विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू गिव टे थाउजेंड रुपीज़ टू कोरोना पेशेंट तो ये है मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है नेक्स्ट देखते हैं ये आप देख सकते हैं मैप और डेली करंट अफेयर जरूर देखें मैप्स के साथ अगर अच्छे से स्टडी करनी हो तो बी एस एन एल ने किस प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर पेटेंट साइन किया है पेमेंट प्लेटफॉर्म साइन किया है तो ये है प्लेटफॉर्म एस बी आई एस बी आई के साथ में बी एस एन एल बिल के पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाने जा रही है ठीक है क्योंकि जियो का अपना प्लेट पेमेंट प्लेटफॉर्म है एयरटेल का है उसी तरीके से बी एस एन एल का भी हो जाएगा नॉर्टन मोटरसाइकिल का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी है एक तरीके से इसका अधिग्रहण किया है टी ने ठीक है टी की स्थापना टी सुंदरन ने किया था ठीक है और ये टी उन्हीं के नाम पर है ग्रीन पिट वाइपर की खोज कहाँ की गई थी ये सांप है और इसका मैं फोटो दिखा देता हूँ और ये किया गया था अरुणाचल प्रदेश में ये रहा इसका पिक और ये न्यूली डिस्कवरी स्नेक है इसलिए इसको ग्रीन पिट वाइपर कहते हैं तो आई होप आप लोगों ने इसे देखा भी होगा और इसकी डिस्कवरी हुई है कहाँ पे तो ये हुई है अरुणाचल प्रदेश में ई लर्निंग के लिए स्माइल योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है राजस्थान पंजाब हरियाणा या फिर गुजरात तो ये शुरू किया है राजस्थान ने ठीक है नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के विकास समिति में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया तो ये हिस्सा लिया है अमित शाह निर्मला सीतारमन नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह तो ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पार्टिसिपेट किया है ठीक है आईएमएफ की विकास समिति के बैठक में आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में और आईएमएफ का हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी इसकी स्थापना हुई थी 1945 में अगला क्वेश्चन है आईएमएफ के रिपोर्ट के हिसाब से किस महादेश का विकास दर शून्य होगा तो ये है एशिया एशिया का विकास दर जो है वो शून्य होगा नेक्स्ट है इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को नेक्स्ट है सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेटेड ऑन तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को ठीक है दोस्तों आपकी सहूलियत के लिए मैंने सबको कलर कर दिया है आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो रिवीजन करते चलें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ये 21 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सिविल सर्विसेज़ का जो पहला बैच था उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संबोधित किया था और ये उसी की बहुत पुरानी फोटो है चलिए अगला क्वेश्चन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य में ठीक है डपोरिजा डोपोरिजा ब्रिज डपोरजिया ब्रिज बनाया है तो ये जो ब्रिज है ये बना है अरुणाचल प्रदेश में सबनसिरी नदी पे। आपको मैंने ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में बताया था ज्योग्राफी में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा सबनसिरी नदी पे ये पुल बनाया गया है डपोरजी ठीक है अरुणाचल प्रदेश नेक्स्ट है फेसबुक एक सुपर ऐप किसकी सहायता से बनाएगा तो फेसबुक जो है सुपर ऐप किसकी सहायता से बनाएगा बताइए रिलायंस एयरटेल मेगा मॉल या फिर टाटा तो ये है रिलायंस के साथ नेक्स्ट है रिसेंटली फेसबुक हैज स्टार्टेड थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम फॉर रिच कंट्री थर्ड पार्टी फैक्ट बेस्ड सिस्टम जो है शुरू किया गया है बांग्लादेश के लिए ठीक है नेक्स्ट देखते हैं एक अलग टाइप का कोरोना वायरस किस जीव में पाया गया है तो एक अलग टाइप का कोरोना वायरस जो है ये पाया गया है चमगादड़ में ठीक है दोस्तों चमगादड़ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिन डिच जिनका निधन हो गया वो क्या थे अब ऑप्शन को देख लेते हैं फिल्म निर्माता कार्टूनिस्ट पत्रकार या नेता तो ये इसका राइट आंसर होगा फिल्म निर्माता ये फिल्म निर्माता थे नेक्स्ट है चौवन अन्ना सेवा मिशन मिशन अन्ना सेवा की शुरुआत किसने की थी तो ये जो है रिलायंस के द्वारा शुरू सु, किया गया है और जितने भी माइग्रेंट लोग हैं जो फंसे हुए हैं अलग अलग जगह पे उनके लिए भोजन की प्रबंध की जा रही है ठीक है तो रिलायंस के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो कम्युनिटी किचन इस्टेब्लिश इन तो जियो कम्युनिटी किचन ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारी फेसबुक आईडी आप इसको ध्यान रखेंगे और जो भी आप लोग खरीदने वाले हों मुझे कमेंट कर सकते हैं इस पर मैसेज भी कर सकते हैं अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एज़ तो अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया है कब बाईस अप्रैल को और इसका थीम था क्लाइमेट एक्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ई संजीवनी ओ पी डी इनोग्रेशन इन विच स्टेट ई संजीवनी ओ पी डी कहाँ शुरुआत हुआ है तो यह हुआ है हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी कहाँ है ये है शिमला में और इसके सीएम है जयराम ठाकुर बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं टीम मास्क फोर्स कंस्टिट्यूटेड बाई टीम मास्क फोर्स किसके द्वारा बनाया गया है तो यह है बी सी सी आई बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया नेक्स्ट है आई हिस्ट्री का सबसे फेमस कैप्टन किसे चुना गया है तो ये है महेंद्र सिंह धोनी नेक्स्ट देखते हैं किस सीईओ किसके सीईओ ओ रुद्रेज सिंह का निधन हो गया तो ये हैं बीएमडब्ल्यू के सीईओ थे इनका निधन हो गया नेक्स्ट है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ठीक है दोस्तों वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज के डे डे के दिन नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है तो ऑप्शन ए सुदर्शन बाबू ठीक है और सीमा वर्मा को कोविड नाइन्टीन एक्शन टास्क फोर्स में मेंबर बनाया गया है विलियम ई कोलबी अवार्ड किसे दिया गया विलियम ई कोलबी अवार्ड दिया गया है किसको एडम हिंगी बोनटम बोनटम ठीक है हिंगी बोनटम नेक्स्ट है कोविड नाइनटीन योद्धा कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू किया कोविड नाइन्टीन योद्धा कल्याण योजना ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा चलिए नेक्स्ट देखते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम बैडमिंटन आई एम बैडमिंटन कैंपेन ब्रांड एम्बेसडर तो जो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं भारत की वही हैं पीवी सिंधु और ये किस देश राज्य से हैं तो ये तेलंगाना राज्य से हैं नेक्स्ट टी ने किस देश में पूर्ण डिजिटल बैंक बनाने का फैसला किया है तो ये देश है इसराइल पे ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है पेटीएम अग्रीमेंट विथ वर्चुअल एंड विथ विच कंपनी टू प्रोवाइड वर्चुअल एंड फिजिकल डेबिट कार्ड तो ये है मास्टर कार्ड मास्टर कार्ड के साथ इन्होंने समझौता किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था के अनुसार वायु प्रदूषण सबसे निचले स्तर पर आ गया है और ये आप महसूस भी कर रहे होंगे एयर पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है आसमान अब आपको ज्यादा साफ दिखता होगा तो ये है नासा के अनुसार ठीक है नासा की स्थापना हुई थी उन्नीस सौ में आपता मित्र आपता मित्र ऐप आप किसने लॉन्च किया है तो ये स्टेट है कर्नाटका आयु एंड सेहत साथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है तो आयु एंड सेहत साथी ऐप लॉन्च किया गया राजस्थान के सरकार के द्वारा नेक्स्ट है वर्ल्ड गेम्स 2020 का लोगो किस जगह से लॉन्च किया गया तो वर्ल्ड गेम्स 2022 का लोगो बर्मिंगहम अब इंग्लैंड आपको पता होगा यूके यहीं का एक शहर है यहीं से लॉन्च किया गया माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन लॉन्च बाई तो ये है एच मिनिस्ट्री एच मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया रमेश पोखरियाल निशंक एच मिनिस्टर हैं पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड एज़ तो कितने अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस बार मोदी ने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू भी किए थे तो ये चौबीस अप्रैल को मनाया जाता है हाल ही में किस देश ने भांग की खेती को वैध कर दिया है तो ये देश है लेबनान लेबनान की राजधानी कहाँ है बेरूत और पाउंड यहाँ की करेंसी है चलिए बाकी सारे डिटेल मैं डेली करंट अफेयर्स में बताता हूँ अगर आप लेबनान की मैप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे है लेबनान ठीक है जेरूशलम अम्मान डोमस्कस और एक छोटा सा आपको मैं दिखाता हूँ एल ई -e बी ये है लेबनान और इसकी राजधानी है बेरूत बाकी सारी चीज़ें तो मैं डेली करंट अफेयर्स में बताता हूँ यहाँ बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ बताना बंद कर दिया संपर्क टी मोबाइल ऐप लॉन्च बाई तो ये है उत्तराखंड सरकार के द्वारा नेक्स्ट है ये उत्तराखंड आप देख सकते हैं नंदा देवी एवं नंगा पर्वत दोनों कहाँ है नंदा देवी है उत्तराखंड में ठीक है दोस्तों नेक्स्ट है किस राज्य ने अम्बुबाची मेला को रद्द कर दिया है तो अम्बूबाची फेयर फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है असम में और इसको रद्द कर दिया गया है जम्मू कश्मीर का पहला कोरोना मुक्त ज़िला तो ये है पुलवामा चलिए नेक्स्ट आते हैं ब्रेंथर ब्लिवज कप ट्वेंटी ट्वेंटी किसने जीत लिया है तो ये अलेंजा फिरोज ये ईरान के हैं और इन्होंने जीत लिया है एम कोविड नाइन्टीन मोबाइल ऐप लॉन्च वाई तो एम नाइनटीन एम कोविड नाइन्टीन ही लॉन्च कर दिया गया है इसी नाम से यह है मिज़ोरम सरकार मिजोरम के सीएम का नाम है जोराम थंगा हब्बल टेस्ट टेलीस्कोप की तीसवीं वर्षगांठ मनाई गई तो क्योंकि हब्बल टेलीस्कोप नासा के द्वारा शुरू किया गया था इसलिए उसी के द्वारा यह वर्षगांठ मनाया गया आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं के लिए केलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को चार दशमलव चार नौ परसेंट हिस्सेदारी बढ़ा दिया है तो यह है बंधन बैंक बंधन बैंक बहुत न्यूज़ में रहता है इसलिए इस क्वेश्चन को देखना जरूरी है चलिए आगे आते हैं सार्क हेल्थ मिनिस्टर्स की सम्मेलन की बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है तो ये कर रहा है पाकिस्तान ठीक है आइए सार्क का मैप देख लेते हैं कौन कौन से देश इसमें हैं तो ये सार्क कंट्री इसमें अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव नेपाल पाकिस्तान और श्रीलंका आपके लिए होमवर्क का वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बताइए सार्क की स्थापना कब हुई थी चलिए किस देश ने कूड़ा मारने की प्रथा को बंद कर दिया है तो ये देश है सऊदी अरब सऊदी अरब की राजधानी क्या है रियाद और रियाल यहाँ की करेंसी हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश कौन बने हैं तो बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं दीपंकर दत्त कौन बने हैं दीपंकर दत्त विच स्टेट हैज प्रोहिबिटेड पब्लिक गैदरिंग टिल थर्टी जून किस जून किस राज्य ने तीस जून तक सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया है तो ये है उत्तर प्रदेश ठीक है हाल ही में मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं तो ये बने हैं विश्वनाथ सुमद्दर मेघालय के विश्वनाथ सुमद्दर चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो ये बने हैं मोहम्मद रफीक नेक्स्ट चाइना फर्स्ट मार्स मिशन तो ये है तियानवेन वन तियानवेन वन ये चाइना का पहला मार्स मिशन है फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट वर्चुअल कोर्ट तो आभासी कोर्ट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेशनल शिपिंग बोर्ड के नए हेड ये हैं मालिनी शंकर ठीक है और कोस्ट गार्ड की इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली डीआईजी बनी है नुपुर कुलश्रेष्ठ तो मालिनी शंकर नेशनल शिपिंग बोर्ड के नए हेड हैं वर्ल्ड बुक कैपिटल इन 2020 किस जगह को बनाया गया है तो ये है क्वालमपुर मलेशिया की राजधानी तो मैंने मैप से भी दिखाया था ठीक है दोस्तों आप यहाँ भी देख सकते हैं वैसे ये रहा मलेशिया और इसी की राजधानी है कुआलालंपुर ठीक है चलिए नेक्स्ट जो है शुरू प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला अस्पताल कौन है तो ये हॉस्पिटल यहाँ किंग जॉर्ज हॉस्पिटल लखनऊ ये पहला प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला अस्पताल है किस देश ने आर के साथ चालीस करोड़ करेंसी डॉलर एक्सचेंज की घोषणा की है तो आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये श्रीलंका ने किया है श्रीलंका देश ने ठीक है नेक्स्ट चौबीस से तीस अप्रैल को किस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है तो ये है प्रतिरक्षण सप्ताह ठीक है दोस्तों चलिए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक थीम क्या था वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इसका थीम जो भी है और इम्यूनाइजेशन वीक का याद रखिएगा नेक्स्ट है इंटरनेशनल सेडनोबिल डिजास्टर रिमम्बरेंस डे तो ये क्वेश्चन है इसको इसका राइट आंसर होगा 26 अप्रैल पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया तो ये मनाया गया 25 अप्रैल तो आई होप आपका ये रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया है नेक्स्ट कार्ी बोट नेम्ड रोबोट प्लेस्ड बाय कारमी बोट नाम का रोबोट जो है ये प्लेस किया है केरल के द्वारा और उधर पीछे हमने देखा था एक और रोबोट कोबोट कोबोट नाम था वो झारखंड के द्वारा किया गया था झुमा खातून बैंड इन एवरी इंटरनेशनल गेम्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स झुमा खातून को कितने साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेम्स में बैन कर दिया गया है तो ये हैं चार सालों के लिए और ये बैन किया है वाड वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और स्थापना उन्नीस सौ निन्यानवे में हुई थी यू वी सी सेनेटाइज़र डेवलपमेंट बाई यू वी टी सी सेनेटाइज़र डेवलप किया गया आई आई टी भुवनेश्वर के द्वारा रूहदार वेंटिलेटर इज़ मेड बाई तो रूहदार वेंटिलेटर बनाया है आई आई टी बॉम्बे ने नेक्स्ट है एम एस एम ई मिनिस्ट्री न्यू सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट एम एस एम ई मतलब मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के जो नए सेक्रेटरी बने हैं ये हैं अरविंद कुमार शर्मा चलिए मैसेज मैसेंजर रूम नेम्ड फैसिलिटी डेवलप्ड फॉर डैश यूजर तो ये है फेसबुक के द्वारा मैसेंजर रूम सर्विस शुरू किया गया था अब आपके लिए आज का तीन सवाल हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च बाई विच स्टेट गवर्नमेंट तो ये हो गया हरियाणा के द्वारा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आर ने कितने करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड को देने का फैसला किया है तो ये है पचास हजार रुपये म्यूचुअल फंड को पचास हज़ार करोड़ देने का फैसला किया है दोस्तों अगला और लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में आंसर करके बताना है प्राकृति वेब पोर्टल डैशबोर्ड प्राकृति ठीक है ये किसने बनाया है आईआईटी दिल्ली आईआईटी बीएचयू आईआईटी भुवनेश्वर आईआईटी कानपुर प्राकृति वेब पोर्टल ये मैंने पढ़ाया है और आपको याद भी होगा आयुर् क्लिनिक आयुर क्लिनिक ये किसने बनाया है केरल उत्तराखंड तमिलनाडु या कर्नाटक जो भी इसका राइट आंसर होगा विथ फुल डिटेल आप लोग कमेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा थैंक यू सो मच